बीच की दीवार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित रेखा चित्र। आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। बाबू लहरी सिंह का रेखा चित्र लेखक ने ऐसा सुंदर खींचा है कि आंखों के आगे वे घूमते फिरते नजर आते हैं। बाबू लहरी सिंह की उम्र 20-22 साल से कम नहीं थी, लेकिन वे लगते थे मानो 14 बरस के हो। लेखक कहते हैं कि उनकी उम्र का राज शायद भटकटैया के फूल में है। शायद उनकी माँ ने उसे पीस कर पिलाया होगा, इसीलिए उम्र छात्रों भटकटैया का एक जंगली और औषधीय पौधा है, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। इस पौधे का हर भाग औषधीय गुण से भरा है और उसके फूल में लेखक के अनुसार उम्र को छिपाने का गुण है, इसीलिए लेखक ने यह प्रसंग दिया है। इसी तरह दोपाल योगी सनक और सनंदन का संदर्भ भी दिया है। ये दोनों पुराण कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के चार पुत्रों में से दो पुत्र हैं। ये मानस पुत्र भी कहलाते हैं। पुराण की कथा के अनुसार सनक और सनंदन और इनके दो अन्य भाई जीवन भर 4 वर्ष के ही रहे, इसीलिए लेखक ने बाबू लहरी सिंह की उम्र और उनका डेल डॉल बताने के लिए इन मानस पुत्रों का संदर्भ दिया है कि वे 22 वर्ष के होकर भी कम उम्र के ही लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस रेखा चित्र की ओर। बाबू लहरी सिंह का कद छोटा, गोल मुंह, माथा छोटा, सिर पर घने बाल लहराते थे। उनके होंठ और नाक के बीच मूंछ के काले बालों की लाइन से लगता था कि उनका बचपना गुजर गया है, लेकिन वे 15 वर्ष से अधिक नहीं लगते थे। इस तरह लेखक ने हम देखते हैं कि उनकी उम्र और डील-डाल उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए कई सारे उदाहरण दिए हैं और समझाने का प्रयास किया है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने कोई बाबू लहरी सिंह छोटे मोटे गोल मटे उनसे उपस्थित हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस सब के बावजूद लहरी सिंह का बचपन दुख में गुजरा। धन संपत्ति घर में सब थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई का योग न था, जिसके कारण बड़े भाई के हाथों खूब पिटाई होती थी और बाबू लहरी सिंह सदा दुखी रहा करते थे। अंग्रेजी सीखना उनके बस की बात नहीं थी। वे रोज सुबह खाना खाकर दोपहर नाश्ते के लिए एक सिर भुने चावल लेकर एक झोले में किताबें डालकर निकल पड़ते थे। उन्हें जो भी देखता समझ जाते कि बाबू लहरी सिंह स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वे रास्ते चलते चलते तालाब के किनारे रुक जाते, कभी पानी में कूद कर घोंघे। ये घोंघा मतलब पानी का एक जीव होता है, जिसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, का अंडा निकाल कर उसे बचाते, तो कहीं ची ची की दर्द भरी आवाज सुनाई देती तो उस दर्द भरी आवाज को ढूंढ कर उसे बचाते। ऐसे ही एक बार वे जा रहे थे तो ये ची ची की आवाज उन्हें आकर्षित करती है। वे दौड़ के वहां पर पहुंचते हैं तो देखा कि एक मेंची को सांप ने पकड़ लिया है। मेंची अर्थात मेंढक को एक सर्प ने पकड़ लिया है और वह तड़प कर ची ची कर रही है। लहरी सिंह ने लहरी बाबू ने निशाना लगाकर सांप को ऐसा पत्थर मारा कि मेंची अर्थात मेंढक को मुंह से छोड़कर सांप पानी में डुबकी लगा लेता है। फिर बाबू लहरी घायल मेंढक को देखते हैं तो लगता है कि उसकी आंखें जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रही है और वह भी धीरे धीरे पानी में उछल कर चली जाती है। और बाबू लहरी सिंह यह सब करके शाम को घर लौटते तो बड़े भाई से नजर नहीं मिला पाते। बड़े भाई गरज कर कहते हैं, अरे लहरिया कहाँ था आज दिन भर? और मझले भाई को आवाज लगा कर कहते हैं, जरा छड़ी ले आना तो बब्बन। बाबू लहरी सिंह का मझला भाई बब्बन छड़ी लाकर देता है और बड़ा भाई बाबू लहरी सिंह पर छड़ी बरसाते रहते हैं, लेकिन लहरी सिंह मुंह न खोलते एक योद्धा की तरह डटे रहते हैं और जैसे ही रात होती है धीरे से घर से निकलकर अपने दोस्तों के बीच पहुँच कर दिन भर की दास्तां का बयान बहुत ही दिलचस्प तरीके से सुनाते हैं और सुनने वाले भी उसी में डूब जाते हैं। और सांप और मेंची की कहानी वे कहानी इस प्रकार सुनाते हैं, सच्चा गेहूं या बाप रे 3-3.5 हाथ का फन तो साले का 2-2 बित्ते के बराबर, जब तक मैं पहुंचूं
इस साला गेंडुर मारकर हाथ भर का सीना तान कर लगा लहराने, जैसे कोई सामने बैठकर बीन बजा रहा हो। मेंची सामने गिर पड़ी थी और जहर के मारे सटपटा रही थी। बाप रे, मुझे देखते ही गेहुअन सन्न से झपटा और मेरे से एक लट्ठे के फासले पर आकर खड़ा हो गया। मेरे तो काटो तो खून नहीं, सारा बदन पसीने पसीने हो गया। कलेजा साला धुकुर धुकुर करने लगा। सारी श्रोता मंडली पत्थर की गढ़ी मूर्तों की तरह निश्चेष्ट हो गई। तब एक क्षण के बाद कई ने एक बार ही पूछा, तब क्या? जाने कैसे याद पड़ गया और मेरे मुंह से वही रे छबीले गोगाई नट वाला मंत्र निकलने लगा। अच्छा, छवि ने आंख फैलाकर कहा, हाँ मंत्र का निकलना था कि बस सांप साला पानी पानी हो गया। धीरे से फन बटोर कर जमीन पर रेंगने लगा, जैसे मिन्नत कर रहा हो। मैंने कहा, जाओ बच्चू, छोड़ देता हूँ इस बार, पर फिर किसी भले मानुष से मत अकड़ना। हाँ, मेरी बात सुनकर साला धीरे धीरे सरकता हुआ बगल की झाड़ी में घुस गया। फिर क्या, बस मैं भी चला आया। बाबू लहरे सिंह का पूरा बचपन इसी तरह के मंत्र प्रयोग में बीत गया, पर वे उस सांप को कभी न वश में कर सके जिसके डर से खेल कूद में खोए खोए या किसी पेड़ की छांव में सोए सोए सारा दिन गुजारते हुए वे डर के मारे चौंक चौंक जाते थे। बड़े भाई के हाथों बार बार मार खाकर उन्होंने अपने कलेजे को ऐसा कड़ा कर लिया था कि उन पर मारपीट की कोई डर ही नहीं था और ना ही कोई असर होता था। अब हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने गेहूंजन की बात कही है, तो ये एक गेहूमन सांप होता है जो बहुत जहरीला होता है। उसी का किस्सा बाबू लहरी सिंह ने सुनाया। वे सांप को काबू में करने के मंत्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन कभी कोई सांप उनके वश में न हुआ, यह अलग बात है। सर्प मंत्र की प्राप्ति के लिए सोते जागते वे खोए ही रहते थे और बड़े भाई के हाथों मार खा खा कर बट्टर हो गए थे। उन्हें अब मारपीट का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनकी हरकतों से बाज आकर बड़े भाई ने बाबू लहरी सिंह की शादी कर दी कि शायद घर वाली उनकी नकेल खींच कर रखे। लेकिन शादी के बाद फर्क इतना पड़ा कि स्कूल के नाम पर तालाब के किनारे समय बिताने की जगह गांव के लड़कों के साथ ताश या स्पेड और गोली कंचे का जुआ खेलने लगे और मूंगफली तोड़ना और लोगों को मुँह चढ़ाना जैसी बेतुकी हरकतें करने लगे। ऐसी बचकनी हरकत करने वाले बाबू लहरी सिंह ने ऐसा धमाकेदार काम किया कि सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। पता नहीं किस गुरु से यह सब ज्ञान प्राप्त किया कि उन्होंने आसपास के गांव से पंचायत बुलाई और रो रो अपने बड़े भाई के ज्यादती का बखान करते हुए अपना अलग हिस्सा मांगने लगे और कहा कि अगर हिस्सा न दिलवाया तो वे रेल के नीचे कट मरेंगे, जिसका पाप पूरे गांव और आसपास के लोगों को लगेगा। पंचों ने उन्हें हर तरह से समझाना चाहा, लेकिन बाबू लहरी सिंह न माने तो न माने। बंटवारा हुआ, बंटवारे में दो बैल लहरी सिंह को मिले। बूढ़ी माँ ने यह बंटवारा देख देख कर रो रो कर आँखों की रोशनी खो दी, लेकिन फिर भी माँ को अपने इस अगले बेटे से विशेष प्रेम था, तो माँ ने बंटवारे में अपनी नई बहू के साथ रहना ही चुना, क्योंकि घर में तो बीच में दीवार उठ गई। इस घटना के बाद लहरी सिंह के हाव भाव चाल ढाल सब कुछ बदल गई। खेती बारी अच्छी ना हुई, लेकिन रौबदा में कोई कमी नहीं हुई। एक मन गेहूँ बेचकर चोर बत्ती खरीदी, चोर बत्ती अर्थात लालटेन, चेक्स की तहमत खरीदी, तहमत मतलब लुंगी, खैर की लकड़ी का एक लठ खरीदा, मोटे शोल वाला बूट खरीदा, उसमें कीले लगवाए जिससे चलने पर वह मचर मचर की आवाज़ करते। शाम से ही चोर बत्ती लिए घर से निकल पड़ते और बूढ़ी माँ बैलों की सेवा करती और चूल्हा चलाती। इसी तरह बंटवारे में 2 साल बीत गए। लहरी सिंह के हाल बुरे हो गए। एक बैल मर गया। अकाल में तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, तो लहरी सिंह कहाँ लगते? पत्नी से मारपीट करते, चेक्स की तहमत फटकर तार तार हो गई, चोर बत्ती का मसाला खुट गया और बूट की कीलें चुभती थी। बूढ़ी माँ रोती थी, बड़ा बेटा माँ को कोसता, बड़े भाई ने लोगों को भेजकर
लहरी सिंह को एक होने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन वो क्यों अपनी आज़ादी छोड़ते? जो आता उसे ही डांट कर भगा देते। इधर पत्नी को तपेदिक अर्थात टाइफाइड का बुखार हो गया, उस पर मारपीट। एक दिन इस कदर मारपीट हुई कि बड़ा भाई इस मारपीट से परेशान हुआ और बीच की दीवार कूदकर लहरी सिंह की तरफ आ गए और उनके हाथ से डंडा छीनकर लहरी सिंह को ही पीटने लगे और तुरंत व्यवस्था की। लहरी सिंह की पत्नी को गाड़ी में डालकर इलाज के लिए बनारस रवाना किया और साथ में लहरी सिंह और उनके मंझले भाई बब्बन को भी भेज दिया। पूरे एक पखवाड़े मतलब 15 दिन बाद बनारस से लहरी सिंह लौटे तो देखा बीच की दीवार वैसे ही खड़ी थी। दूसरी तरफ से भाभी लहरी से तबीयत की पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन लहरी को देखकर घबरा गई। लेकिन अब तक लहरी पिघल चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और भाभी से बोले, आप इधर आ जाओ या इसे उधर ले जाओ। आंखों से बहते आंसू लहरी के पश्चाताप की कहानी कह रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी, यह रेखाचित्र लहरी सिंह की कहानी पूरी होती है और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, अन्यथा जो समय से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, उनका भविष्य, उनका जीवन लहरी सिंह के समान ही बीतता है। जैसे बचपन, जो बचपना किलकारियाँ मारने का, खेलने कूदने का, खाने का, नई नई चीज़ें सीखने का होता है, पढ़ने लिखने का होता है, उस समय वे मटर गश्ती करते रहे और एवज में मार खाते रहे, और जब बड़े हुए तो शादी गृहस्थी का आनंद नहीं उठा पाए, अपना सारा ग्लानी जो थी वे अपनी पत्नी पर उतारते रहे, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हें समझ आती है क्योंकि उन्होंने बचपन में कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया, नहीं समझा, जिम्मेदारियां नहीं उठाई। तो संदेश यही है कि अपना बचपन हमें लहरी सिंह के समान नहीं बिताना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन जिम्मेदारियों को पूरा करके अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से, अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में सहसंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से, अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे सहसंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे, टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सहसंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग, प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से, किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ, तो यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है यह लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या, तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6-7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता,
तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियां जो पाठ है उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको दो प्रश्न में से एक प्रश्न करना होगा। इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको दो शीर्षक दे दिए जाएंगे, दो में से एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए एक प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है, उन जितनी भी जानकारियां हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।